नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एपीजे इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो फ्रेंड, आज हम रिपेयर करने वाले हैं एक क्राउन कंपनी की टीवी को। फ्रेंड, मैं इसको रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताया जाए, ये फॉल्ट कहाँ से और कैसे आता है। जान लीजिए फॉल्ट इसमें है क्या। जैसे हम इसमें पावर देते हैं, हमने तो सप्लाई रिपेयर कर दी है, सप्लाई ओके है, लेकिन जैसे इसमें पावर देते हैं और टीवी को ऑन करते हैं, ऑन करते ही ये सीरीज बल्ब जो हमारा है 200 वाट का, ये पूरा का पूरा जल जाता है। मतलब कि हमारे टीवी में कहीं शॉर्टिंग है। आज हम उस शॉर्टिंग को मतलब हटाएंगे, तो मैं सोचा आपको भी इसके बारे में बताया जाए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और आपको पहले एक बार हम फॉल्ट को दिखा देंगे। तो फ्रेंड, हमने इस सर्किट को, सॉरी, इस टीवी को खोल लिया है। अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं पावर, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है। तो ये रहा इसका पावर का लीड, तो नीचे हमारा ये बोर्ड है, इसको हम लगाते हैं। ये हमारा सीरीज है, तो ये हमने लगाया और ये हमारा सीरीज बल्ब। तो सबसे पहले हम टीवी को ऑन करते हैं। टीवी को ऑन करने के लिए इसका ये जो रिमोट का, ये आप देख रहे हैं, ये दो पॉइंट इस तरफ से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो पॉइंट, इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये टीवी हमारी ऑन हो जाएगी। देखिए, इसको हमने शॉर्ट किया, टीवी हमारी ऑन है। ये सीरीज बल्ब है, ये आप देखिए, देख सकते हैं, ये सीरीज बल्ब इस तरफ और अंदर देखिए, ये यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग हो रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारा पीएफ ख़राब है, तो सबसे पहले हम इस पीएफ को चेंज करेंगे। पावर को हमने तुरंत निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस आपको दिखाने के चक्कर में ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो गया। फिलहाल आपको जानकारी तो मिल गई, यह फॉल्ट हमारा इस पीएफ से आ सकता है। ये पीएफ जो आप देख रहे हैं, ये पीएफ ख़राब है। मैं आपको निकाल दिखाता हूँ, कैमरे को एक स्टैंड पर रख देता हूँ। तो फिर फ्रेंड, हमने कैमरे को अपने स्टैंड पे एक रख दिया है, तो मैं आपको इस पीएफ को निकाल के दिखाता हूँ कि ये पीएफ देखिए हमारा किस तरह से फट गया है। तो इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये हमारा सोल्डर। तो फ्रेंड, यह पीएफ, तो ये देखिए, ये पीएफ यहाँ से फटा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले नया लगाएंगे। इसका नंबर है 393J और ये वोल्टेज में कुछ लिखा है, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सॉरी बताता हूँ, 400 वोल्ट। ये 394J 400 वोल्ट का पीएफ है, तो इसको हम नया लगाएंगे। नया लगा लेते हैं और एक हमारा रेजिस्टेंस भी ख़राब हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे लगा है, तो निकाल लेते हैं, देखते हैं ये क्या नंबर है। लेकिन यह तो जल गया है, फिलहाल कोई सर्किट की हमें सहायता लेनी पड़ेगी अगर ये नंबर हमको नहीं दिखेगा किस नंबर का है। फिलहाल इसको पहले निकालते हैं और देखते हैं, ये रेजिस्टेंस भी हमारा निकल गया, ये देख सकते हैं कितनी बुरी तरह जल गया है। और इसका नंबर अब हमको देख नहीं रहा किस कलर का नंबर है। तो एक सर्किट हम इसी में की खोज लेंगे, हमारे यहाँ सर्किट बहुत पड़ी होगी, खोज लेते हैं। मैं अब खोज लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ और पीएफ भी निकाल लेता हूँ। तो भी फ्रेंड, हमने ये एक पीएफ 394J 400 वोल्ट ये निकाल लिया है और ये रेजिस्टेंस निकाल लिया है इस सर्किट से। यहाँ पे हमने इसका जो है कि ट्रैक मिलाई, जो है कि बाइंडिंग जो है इसको मिलाया, तो हमें यहाँ पे ये डायोड, जिस तरह यहाँ पे इसमें भी डायोड और रेजिस्टेंस दोनों साथ में लगा है, तो हमने वहाँ से ये एक रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो अब हम इसको लगाएंगे इसकी सर्किट में, तो लगा लेते हैं और देखते हैं क्या यह फॉल्ट हमारा सही हो जाता है कि नहीं। फिलहाल हमारे हिसाब से यह फॉल्ट तो अब सही होना चाहिए, तो चलिए इसको लगा लेते हैं और फिर देखते हैं। तो फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस लग गया है, अब हम इस पीएफ को लगा के सोल्ड कर लेंगे। इसको हम इस तरह से पीछे से, ये इस तरफ इसका पिन आ गया है, तो इसको हम सोल्ड कर लेंगे। ये हो गया,
अब हम इसमें लगाते हैं पावर को और देखते हैं क्या कंडीशन है। अब मैं कैमरे को उठा लेता हूँ और दिखाता हूँ इसकी सीरीज को। पावर तो लगा दिया हमने, कैमरे को मैं अब उठा लूँगा। देखिए कैमरा हमने उठाया और देखिए पावर लग गई है। इसको अब हम ऑन करते हैं। ये यहाँ पे ये जैक सटा देंगे तो टीवी ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये हमारा सीरीज, आप देख सकते हैं सीरीज हमारा जरा से भी नहीं चल रहा है और हमारी टीवी आगे ऑन है। मैं आपको टीवी के डिस्प्ले पर ले चलता हूँ। ये देखिए टीवी हमारी ओके हो गई है। तो फ्रेंड अब हम इसको ऑडियो वीडियो जैक लगा के चेक कर लेते हैं। कैमरे को फिर हम एक स्टैंड पे रख दे रहे हैं। तो अभी फ्रेंड पावर निकाल के अब हम इसकी सारी जैक्स को लगा लेंगे। ये स्पीकर का जैक ये लगा लेते हैं। ये स्पीकर का हो गया, ये आगे रिमोट का और ये उसकी बटन का ये हो गया, ये पीटीसी कॉइल ये हो गया। सारे स्क्रू टाइट करने से पहले एक बार हम फिर इसको चालू करके देख लेते हैं। पावर लगा दिया हमने, इस बार हमने सीरीज नहीं डायरेक्ट लगाया है। फ्रेंड इतना करने के बाद अब हम इसमें ऑडियो वीडियो लाइट लगा लेते हैं। ये लगा लिया और फिगर हमारा क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम शायद ये भी नहीं है, टीवी करके देख लेते हैं। तो चलते हैं टीवी के डायरेक्ट स्क्रीन पर, मैं आपको ले चलता हूँ। तो फ्रेंड ये हम टीवी की डिस्प्ले पे आ गए हैं, देखते हैं ये भी है कि नहीं, बटन इसकी काम नहीं कर रही है। तो पीछे से हम यहाँ पे ये जो इसका ये आप देख सकते हैं बटन है, ये दूसरे नंबर का पिन हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो आगे डिस्प्ले पे आप देखिए ये क्या कहता है। ये इस समय RF मोड में आ गया है, लगता है पहले ये भी था। इस समय ये क्या है कह रहा, ये ऑटो है इस समय। ये देख सकते हैं ये इस समय ये भी हो गया है। तो ये फिगर क्यों नहीं आ रहा है, एक बार हम फिर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जैक है ये हम भूल गए, इसको हम लगा लेते हैं। तो आवाज तो आपको सुनाई दी गई होगी। देखिए ये हमारा टीवी चालू हो गया है। तो इसको हम अब पैक कर लेंगे सारे स्क्रू को टाइट करके और कैमरे को स्टैंड पे रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड आपने देखा हमने इस टीवी को पैक कर लिया और इसकी जो शॉर्टिंग वाली समस्या थी उसको हमने कितनी आसानी से और सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको मिलने वाली बहुत सारी जानकारी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए सब्सक्राइब के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।